हेलो दोस्तों, जय मां काल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर शून्य टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए जीके के क्वेश्चन और जो ट्रिक बन सकती है सबसे ईजी, वो ट्रिकें आप तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, आगे आने वाले राजस्थान के, इंडिया के जितने एग्ज़ाम होंगे उन सभी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का दूसरा चैप्टर, अवनद वाद्य यंत्र, जो राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों में से जो इम्पोर्टेंट है, जो कभी भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो आज शुरू करते हैं, दूसरा पार्ट है ये। तो आज अवनद या ताल वाद्य यंत्र जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवनद भी बोलते हैं, अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र भी इन्हें ही कहते हैं। उसकी ट्रिक है, निशा अवनद को नौ खंजर निशान दी। क्या किया, निशा ने अवनद को नौ खंजर निशान के रूप में दिया। फिर क्या हुआ, मृदंग डेड, यानी मृदंग उसके डेड का नाम है, पिताजी का। तो वो क्या कर रहा है कि मृदंग डेड घेरा डाल तमाशा किया, यानी उन्होंने खंजर दिया तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मृदंग ने क्या किया, घेरा डाल के तमाशा किया कि वो खंजर इसे क्यों दिया। तो इस कहानी से आपको याद हो जाएगी कि निशा अवनद, उसका छोटा भाई है, उसे निशा अवनद को नौ खंजर निशान दी, ठीक है, लेकिन मृदंग डेढ़ घेरा डाल तमाशा किया, ठीक है। इसकी ये ट्रिक हो गई, बहुत आसान है ये, एक बारी दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको सब आसान लगेगी, सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो इसको देखो, याद करने की ट्रिक क्या क्या है, निशा, निशा से क्या याद रखना, निशा से आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा निशान, ठीक है। अवनद से याद रखना, उसके भाई का नाम था, तो अवनद से याद रखना अवनद यंत्र, अवनद यंत्र जिसको हम ट्रिक पढ़ रहे हैं उसकी है, कि अवनद की ट्रिक है ये, ठीक है। को से याद रखना दोस्तों, को से कड़ी, क्या याद रखोगे, को से कड़ी, दो तीन 10 से 15 बार रिपीट कर लेना दोस्तों, ये अपने आप याद हो जाएंगे। नौ से क्या याद रखोगे, नौ से हो गए नौबत, नौबत भी अवनद वाद्य यंत्र है। खंजर, खंजर से क्या याद रखोगा, खंजर से खंजरी, क्या याद होगा, खंजर से खंजरी। फिर निशान से, तो आपको फिर निशान से निशानी याद रख लेना, कि निशान से निशानी ही होगा, ठीक है। दो बार है, निशान दी, दी से याद रखना दोस्तों, दी से आपको हो जाएगा दीपो, दीपका या दीपको, दीपको भी दिया होगा और दीपका भी दिया होगा कहीं पे, तो दीप को याद रख लेना दी से, ठीक है। मृदंग से क्या याद रखोगे, मृदंग, मृदंग जो डेढ़ थे वो मृदंग से मृदंग याद हो जाएगा आपको, डेढ़, डेढ़ से एक डे का अर्थ है वो तो हो जाएगा डेरू, और डे से याद रखना दोस्तों डमरू, ये दोनों भी अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण है। घेरा, घेरा का घेरा ऐसे कैसे याद रख लेना, घेरा भी एक अवनद वाद्य यंत्र है। ढाल, ढाल से डाक, ढाल से क्या याद रखोगे, डाक। तमाशा, तमाशा किया, तो तमाशा में जो तमाशा है उसका तो तासा हो जाएगा, त और सा से तासा हो जाएगा, माँ बीच में बचा हुआ है, इस माँ को कर लेना मादल, क्या करोगे, मादल, ठीक है। और अपन अदर जो अपन को याद रहते हैं, कि ये कौन कौन से हैं जो अपन को याद है, वो देखिए, याद तो अपन को दो चार ही है, नंगाड़ा है, ढोलक है, ढोल है, डफली है और चंग है, कई बार पॉपुलर है, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि चंग कौन सा वाद्य यंत्र है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है, चंग अवनद वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों, ये हो गई अवनद वाद्य यंत्र की ट्रिक। पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो अगर तत्ववाद यंत्र की, तो ज़रूर देख लें, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें दोस्तों और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए।